देखो, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों की स्मृति छीण हो गई है। आपको याद दिलाना चाहूँगा कि जब उन्होंने पहली बार रमन सिंह ने कहा कि सीबीआई के यहाँ प्रवेश नहीं देने का निर्णय लिया, किस बात का डर है, प्रधानमंत्री ने भी उसकी बात को उठा लिया, जबकि 2012 में उन्होंने बंद कर दिया था, खुद ही नहीं किया था 2012 में, हमारी सरकार तो नहीं थी। फिर उन्होंने कहा कि ये हिंदू संगठन के सर्वे क्यों करा रहे हैं, मुझ पे आरोप लगाया कि हिंदू संगठनों के सर्वे करा रहे हैं, आरएसएस पे सर्वे करा रहे हैं, 2015 में खुद उन्होंने कराया था। अब फिर आशीष कर्मा जी के बारे में बोल रहे हैं, ये नीति उन्हीं की सरकार ने बनाई है, जो शहीद हो गए उस परिवार को नौकरी देना है, ये निर्णय उनके सरकार के द्वारा लिया गया है, वो जो नहीं दे पाए थे उनको मैं देने का काम कर रहा हूँ, इसमें गलत क्या है। और दूसरी बात ये है, शहीद का सम्मान होना चाहिए, उस पर सवाल नहीं उठाना चाहिए, और खुद के निर्णय पे उंगली सवाल उठाए, इससे ज़्यादा दुर्भाग्यजनक बात क्या होगी। सर, सबके बारे में सोच रहे हैं सर, पत्रकारों के बारे में, 10 साल 20 साल 30 साल से पत्रकार काम कर रहे हैं, अधिमान्यता के लिए उनको अपने मालिकों की अनुमति की आवश्यकता पड़ती है, 10 साल अगर पत्रकारिता कर रहा है तो उसको अधिमान्यता दी जाए, ऐसी कोई नीति लाए। देखिए, पत्रकार सुरक्षा कानून हम ला रहे हैं, उसमें बहुत जल्दी कमेटी हम लोगों ने जो बड़े संपादक हैं, जो दिल्ली के जो लोग हैं और जज हैं, उनसे बात हो गई, बहुत जल्दी वो कमेटी घोषित होने वाली है। नंबर एक, एक मिनट। दूसरी बात, पत्रकारों के लिए अभी हमने इलाज के लिए केवल 50,000 तक ही सीमित था, उसको हमने 2,00,000 बढ़ाया है, 60 साल जो 62 साल में रिटायरमेंट का था उसको 60 साल किया है, 2 साल और कम किया है, जो 5,000 रुपया मिलने वाला था और केवल 5 साल तक मिलने था उसको हमने आजीवन किया है, और 5,000 से बढ़ा के 10,000 किया है पत्रकारों के लिए। बीजेपी ने एयर स्ट्राइक को भी उपलब्धि के तौर पर गिनाने की बात कही है कि इस बार के चुनाव में वो बीजेपी की उपलब्धि के गिनाएंगे। लोग इसीलिए कह रहे हैं, लोग उंगली उठा रहे हैं, उनको जवाब देना चाहिए, पुलवामा में शहीद के लिए जिम्मेदार कौन है। उस समय नरेंद्र मोदी जी फोटो शूट करा रहे थे, आप भारत के पूर्व गृह मंत्री की इस्तीफा मांग सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी अपने प्रधानमंत्री से कब इस्तीफा मांगेंगे, वो जो शहीद हुए हैं उनका सवाल, उनको जवाब कौन देगा, सवाल इस बात का है उसके लिए जिम्मेदार कौन है। और जहां तक के अभी एयर स्ट्राइक किया है, हम नहीं कह रहे हैं कि कितने शहीद हुए, कितने लोग हमारे, एक तो पायलट शहीद हुए, दूसरा हमारे जो अभिनंदन है वो गिरफ्तार हुए, वहाँ पकड़े गए, लेकिन कितने लोगों की मौत हुई इसके बारे में हम सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं। सेना भी ये कह रहे हैं, सेना के अधिकारी ये वक्तव्य दे रहे हैं कि हमें लाश नहीं गिनना है, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, उनका काम बमबारी करना है, बमबारी करके आ गए, लेकिन अमित शाह जी को कैसे पता कि 250 मरे, कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं 300 मरे, तो आप किसको गुमराह कर रहे हैं और उसको कैसे ये आंकड़ा पता। इन सवालों को जवाब देना चाहिए, भारत के जनता के भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए इनको। भारत की सेना हम पे, हम सबको गर्व है, प्रत्येक भारतीय को हमारे सेना पे गर्व है, हम भी गर्व महसूस करते हैं, क्योंकि इस सेना को नरेंद्र मोदी ने तैयार नहीं किया है, वर्षों से जो हमारे नौजवान मेहनत किए हैं, हमारे अधिकारियों ने मेहनत की, तब ये जाके खड़ा हुआ है। सर, आपके 2.5 महीने का 11 सीटों पर क्या असर रहेगा लोकसभा चुनाव? देखिए, जनता ने हमें 3/4 बहुमत दी, और जिन बातों को हमने घोषणा पत्र में शामिल किया था उसमें से आधे हमने केवल 2.5 महीने में पूरा कर दिया है। इस समय हमें पूरा विश्वास है, जनता हमें खूब आशीर्वाद देगी और 11 में से 11 सीट हम जीतेंगे।